मेरे हिसाब से दोस्तों ऑक्स केबल हटा के अब हेडफोन्स में टाइप सी टू टाइप सी पोर्ट वाला यहाँ पे केबल का इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और जब तक हम लोग म्यूजिक और कॉलिंग का टेस्ट करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप वीडियो में 2500 लाइक्स का टारगेट पूरा कर दिए। सबसे पहले क्या हाल है दोस्तों आप लोगों के, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के कुछ कमेंट्स आ चुके हैं कि भाई बोट ने चुपचाप अपने बोट रॉकर्स 430 ओवर द ईयर वायरलेस हेडफोन्स को लॉन्च कर दिया है, तो हमने भी चुपचाप से इनको परचेज कर लिया इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। 1300 रुपए के आसपास मुझे ये पड़े। और इसमें आपको मिलने वाला है बीस्ट मोड, डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाएगा, साथ ही में ENX टेक्नोलॉजी दी गई है कॉलिंग पर्पस के लिए। लेकिन इसकी बिल्ड कितनी प्रॉमिसिंग है, आउटपुट कितना बढ़िया तरीके से आपको मिलने वाला है, एक्जैक्टली ये वर्थ इट है कि नहीं 1500 रुपए के अंदर, अगर आप एक ओवर द ईयर वाले हेडफोन्स कंसिडर करने का सोच रहे हैं, एंड तक पॉसिबल वीडियो में डेफिनेटली डिसाइड कर लेंगे दोस्तों कि इसको आपको ऑप्शन में रखना चाहिए कि नहीं। शुरुआत करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहाँ पर आपको ऐसे बल्की सा बोट रॉकर्स 430 ओवर द ईयर वायरलेस हेडफोन्स का ऐसे आपको बॉक्स मिलने वाला है। बैक साइड में कुछ फीचर्स मेंशन किए गए हैं, साइड में भी कुछ फीचर्स मेंशन किए गए हैं, सब आगे हम डिटेलिंग में चेक करेंगे। और इसको हम करेंगे अनबॉक्स, तो आप देख सकते हैं आपको ऐसी पैकेजिंग मिलने वाली है, प्रॉपर तरीके से सारी चीजें पैक मिल जाएंगी। सबसे पहले आपको एक वारंटी कार्ड मिलने वाला है, यहाँ से आप QR कोड को स्कैन करके वारंटी रजिस्टर कर सकते हैं। एक यूजर मेनुअल मिल जाएगा, आपको सारी डिटेलिंग मिल जाएगी प्रोडक्ट के बारे में, बटन कंट्रोल्स कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या इसके फीचर्स है, सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एक IMA बोर्ड के स्टिकर के साथ मल्टीपल आपको अच्छी अच्छी क्वालिटी के और भी स्टिकर्स मिलने वाले हैं, अप्लाई कर सकते हैं कहीं ना कहीं अपने हिसाब से। एक एडिकेट लेंथ की आपको टाइप सी की चार्जिंग केबल मिलेगी टू चार्ज योर हेडफोन्स, और साथ ही आपको एक लंबी चौड़ी लेंथ की आपको ऑक्स केबल मिलने वाली है, ऑक्स के थ्रू भी आप प्लग इन प्ले करके यूटिलाइज कर पाएंगे। और मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे दोस्तों, दीस आर द हेडफोन्स यू विल बी गेटिंग। यहां पर आपको ऐसे लुक एंड फील के हेडफोन मिलने वाले हैं, और पूरी आपको प्लास्टिक बिल्ड मिलने वाली है, और जो प्लास्टिक क्वालिटी है यहां पे मेरे को डिसेंट लगी, बहुत ज्यादा परफेक्शन नहीं लगा, ठीक ठाक आप बोल सकते हैं आपको डिसेंट प्लास्टिक बिल मिल जाएगी। और साथ ही में इसमें आपको ऐसे मेटालिक प्लस प्लास्टिक के हिंजेस मिलने वाले हैं, अपने हेड के अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हैं हिंजेस को। और हेडरेस दिया गया है, हेडरेस को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, बढ़िया क्वालिटी के आपको हेडरेस मिल जाएंगे, और कुशन्स भी आपको सही मिलने वाले, बहुत ज्यादा अल्ट्रासॉफ्ट भी नहीं है लेकिन आपको अच्छी क्वालिटी के वैसे कुशन्स मिलने वाले हैं। और इसको वैसे रोटेट तो नहीं कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे, और साथ ही में इसमें आपको ऐसे फोल्डेबल ऑप्शन मिलने वाला है, फोल्ड करके पोर्टेबल तरीके से कभी भी ले आ सकते हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट है। और यहाँ पर इसके राइट साइड में आपको सिंपली बोर्ड की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और ऐसा कोई यहाँ पे मल्टीफंक्शन बटन नहीं दिया हुआ इसके राइट साइड में। और लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको सारे के सारे मल्टीफंक्शन बटन मिल जाएंगे, प्ले पॉज का, प्लस माइनस का, पावर ऑन ऑफ का, साथ ही में टाइप सी का पोर्ट मिलने वाला है चार्जिंग पर्पस के लिए, ऑक्स इनपुट यहाँ पे आपको ऑक्स पोर्ट भी मिल जाएगा, एक्जैक्टली कैसे बटन कंट्रोल्स वर्क करते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसमें आपको डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन भी नहीं है दोस्तों, मेरे हिसाब से देना चाहिए था, आप एक टाइम पे एक डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। बाकी से फिटिंग की बात करेंगे, वैसे ये ओवर द ईयर वायरलेस हेडफोन्स हैं, लेकिन मतलब इसको मैं ओवर द ईयर और ऑन ईयर के बीच में रखूंगा, मेनली आपके कानों का साइज मीडियम है, स्मॉल साइज के कान है, नॉर्मल साइज के कान है, उस पर्पस के लिए चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपके कानों का साइज थोड़ा बड़ा है तो आपको लगेगा पूरे प्रॉपर तरीके से कानों को कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे कानों में प्रॉपर तरीके से कवरिंग प्रोवाइड कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, हेडरेस्ट को लेके भी कोई दिक्कत नहीं लगी, कुशन्स को लेके भी कोई दिक्कत नहीं लगी। और लाइट वेट हेडफोन से आप लॉन्ग आवर्स के लिए डेफिनेटली यूटिलाइज कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं वैसे आप एक्टिविटीज करना, रनिंग करते हैं, जिम पर्पस के लिए यूटिलाइज करते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, कानों वैसे ये नहीं गिर रहे थे, लाइट वेट ही है, अच्छी आपको फिटिंग मिलने वाली है इसके थ्रू। और यहाँ पर सबसे पहले चेकआउट करेंगे इसके फीचर्स पार्ट, तो इसमें आपको मिलने वाला है लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.4 प्लस ऑक्स कनेक्टिविटी का ऑप्शन, 40 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स, SBC AAC कोडेक का सपोर्ट, ENX टेक्नोलॉजी मिलेगी कॉलिंग पर्पस के लिए, बीस्ट मोड गेमिंग मोड मिलने वाला है। और यहाँ पर आपको अप्रॉक्सिमेटली 30 से 40 घंटे के बीच प्ले टाइम मिलेगा ऑन सिंगल चार्ज, वॉल्यूम पर डिपेंड करता है आप कितनी वॉल्यूम पे सुन रहे हैं, अगर आप यहाँ पे 60-70% वॉल्यूम पे सुनेंगे जो क्लेम बैटरी लाइफ है डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। और इसको चार्ज करने में अप्रॉक्सिमेटली आपको यहाँ पे 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं फुल चार्ज करने में हेडफोन्स को। और अगर हम बात करेंगे दोस्तों इसके बटन कंट्रोल्स को लेकर, उनका हिसाब किताब ऐसा है, जो प्ले पॉज वाला बटन है इसको अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे तो म्यूजिक प्ले होगा, फिर से सिंगल प्रेस करेंगे तो म्यूजिक पॉज होगा, प्लस को सिंगल प्रेस करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज होगी, माइनस को सिंगल प्रेस करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज होगी, प्लस को लॉन्ग प्रेस करेंगे ये नेक्स्ट चेक पे लेके जाएगा, माइनस को लॉन्ग प्रेस करेंगे ये प्रीवियस चेक पे लेके जाएगा। और प्ले पॉज वाले बटन को अगर आप डबल प्रेस करेंगे जो वॉइस सेशन है आपका फोन का एक्टिवेट हो जाएगा, आप कमांड्स देके यूटिलाइज कर सकते हैं। किसी का कॉल आ रहा है एक्सेप्ट करने के लिए प्ले पॉज वाले बटन को सिंगल प्रेस करेंगे कॉल एक्सेप्ट हो जाएगा, चलती हुई कॉल को रिजेक्ट करने के लिए फिर से सिंगल प्रेस कर देंगे तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा, इनकमिंग कॉल को डायरेक्टली रिजेक्ट करने के लिए प्ले पॉज वाले बटन को अगर आप डबल प्रेस करेंगे तो कॉल डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। और जो गेमिंग मोड दिया हुआ है बीस्ट मोड, यहां पर अगर आप पावर ऑन ऑफ वाले बटन को ऐसे डबल प्रेस करेंगे तो बीस्ट मोड करके प्रॉम्प्ट सुनाई देगा कानों में, फिर से डबल प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मल मोड में एंटर कर जाएगा, गेमिंग मोड से एग्जिट कर जाएगा। एंड अगर हम बात करेंगे इसे गेमिंग एक्सपीरियंस की, 40 मिलीसेकंड लेटेंसी क्लेम की है लेकिन जस्टिफाई करती है कि नहीं, आप देखिए BGMI गेम टेस्ट के थ्रू।
तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एस बी सी कोडेक ऑन करके इसका बीस्ट मोड ऑन करके मैंने गेमिंग करी, बीजीएमआई खेला भाई। जो 40 मिली सेकंड लेटेंसी डेफिनेटली जस्टिफाई करती है, आप जब भी गोलियां चलाएंगे उस टाइम आपको कानों में प्रॉम्प्ट सुनाई देगा, एनिमीज कैसे आ रही है, लेफ्ट से आ रही है, कैसे आ रही है, घूम फिर के आपको पता चल जाएगा। इसको आप डेफिनेटली काफी बढ़िया गेमिंग के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं। गेमिंग पार्ट को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, इन ऑडियो एक्सपीरियंस भी बढ़िया मिलने वाला है, लेटेंसी आपको बिल्कुल यहाँ पे लो मिल जाएगी। और साथ में ऑक्स के थ्रू भी आप गेमिंग करते हैं तो आपको लेटेंसी बिल्कुल फील नहीं होने वाली है। आप वायरलेसली करिए, वायर के साथ करिए, बढ़िया आपको गेमिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अब हम बात करेंगे दोस्तों साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और कॉल क्वालिटी की। इसमें आपको 40 mm डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं, एसबीसी एसी कोडेक का सपोर्ट मिल जाएगा। साउंड लीकेज की बात करेंगे सबसे पहले, यहाँ पर आप जैसे ही 60-70% वॉल्यूम से ऊपर जाएंगे साफ साफ साउंड लीकेज होता है, अच्छा खासा साइड में जो बैठा हुआ है बता देगा आप कानों में क्या सुन रहे हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। बाकी इसके आउटपुट की बात करेंगे, आउटपुट काफी आपको बढ़िया मिलने वाला है, फुल वॉल्यूम पे सुन सकते हैं, कोई डिस्टॉर्शन फील नहीं होगी, अच्छी खासी आपको लाउडनेस दी गई है, वोकल्स पे आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगी, इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन भी आपको डिसेंट मिलने वाला है, बहुत ज्यादा परफेक्शन नहीं है लेकिन हाँ यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से डिसेंट तरीके से इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन सुनाई दे देंगे, ट्रेबल्स को लेकर भी दिक्कत नहीं आएगी। और बेस इफेक्ट्स की बात करेंगे, बेस इफेक्ट्स यहाँ पे आपको अच्छे मिलने वाले हैं, जो बोर्ड का सिग्नेचर साउंड है डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, लगेगा हल्के हल्के मतलब लगेगा प्रॉपर आपको पंचनेस मिल रही है, हल्के हल्के कभी कभी लग सकता है कि थोड़े थोड़े हेडफोन्स हल्के हल्के उचक रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं लगता है, लेकिन बेस इफेक्ट्स यहाँ पे आपको अच्छे मिलने वाले हैं। म्यूजिक और बेस को लेकर पड़े मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी, हाँ बहुत ज्यादा परफेक्शन नहीं है कि हाँ बिल्कुल आपको बिल्कुल क्रिस्प ऑडियो मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पे आपको अच्छे लिसनिंग के लिए डिसेंट लिसनिंग के लिए डेफिनेटली इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। म्यूजिक भी अच्छा है, इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन भी आपको डिसेंट मिल जाएंगे, ट्रेबल्स भी अच्छे हैं, बेस इफेक्ट्स भी आपको अच्छे पंचलेस मिलने वाली है, प्रॉपर यहाँ पे आपको थम्स मिल जाएंगे बेस पार्ट को लेके, इसको आप डेफिनेटली वैसे कैजुअल लिसनिंग के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं। बात करेंगे कॉलिंग की, इसमें आपको ENX टेक्नोलॉजी दी गई है कॉलिंग पर्पस के लिए, लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा DRS दीक्षा रिव्यू सिस्टम कैसे वर्क करता है इसके थ्रू। हेलो, हाँ दीक्षा जी क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, बैठी हुई थी। बैठे हुए हैं, बैठे बैठे एक कॉलिंग टेस्ट की जाए फटाफट। हाँ। अभी ना यहाँ पे बोट रॉकर्स 430 एक हेडफोन लॉन्च किए हैं बोट ने, तो मैंने परचेज कर लिए, तो उसकी टेस्टिंग की जा रही है फिलहाल, कॉलिंग टेस्ट कर रहा हूँ ऐसे ही नॉर्मल कंडीशन बोल सकती हो, ऑफिस के थोड़ा बाहर हूँ एंड सामने रोड है एंड साइड थोड़ा खाली है, तो इस कंडीशन के हिसाब से आपको मेरी आवाज कैसी आ रही कंपैरेटिवली? आवाज तो काफी क्लियर आ रही, लाउडनेस भी अच्छी है, ठीक है, और वॉइस में क्लैरिटी काफी अच्छी है। क्लैरिटी अच्छी है, तो इसको डिस्टरबेंस आ रही है बैकग्राउंड नॉइस को लेके या कुछ? नहीं नहीं। तो कितना परसेंटेज मेरी आवाज से फोकस बोल सकते हैं आप अभी? अभी इस कंडीशन के हिसाब से तो 90% तक फोकस है। है इतना प्रॉपर्ली फोकस? हां हां, चलिए बढ़िया, थैंक यू दीक्षा जी, बाय बाय। कॉलिंग इसकी काफी आपको बढ़िया मिलने वाली दोस्तों, कॉलिंग पार्ट को लेकर दिक्कत नहीं आएगी, मेनली आपको 1500 रुपए के अंदर एक हेडफोन्स चाहिए कॉलिंग पर्पस के लिए, सामने वाला फोकस से आपको सुन पाएगा, नॉर्मल कंडीशन में है, इंडोर कंडीशन में है, अगर आप आउटडोर कंडीशन में भी है ट्रैफिक कंडीशन में वैसे हम यूज नहीं करते ज्यादा हेडफोन्स को, लेकिन इसको आप डेफिनेटली सामने वाला आपको फोकस ही लाउड तरीके सुन पाएगा, कॉलिंग पार्ट के लिए डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। हाँ बस यहाँ पे जो ऑक्स केबल दी गई है, ऑक्स कनेक्ट करके अगर आप कॉलिंग करेंगे तो कॉलिंग तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो माइक्रोफोन है फोन का यूज होता है, क्योंकि ऑक्स में कोई ऐसे बिल्टिन माइक्रोफोन नहीं दिया हुआ है, इसको आप ध्यान रखिएगा, वायरलेस लिए प्रॉपर तरीके से कॉलिंग कर सकते हैं। अब हम करेंगे रेटिंग साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी, इसके गेमिंग एक्सपीरियंस को आउट ऑफ 10। तो मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 8 out of 10, मैं बेस क्वालिटी को भी दूंगा 8 out of 10, इसके कॉल क्वालिटी दूंगा 9 out of 10, इसके गेमिंग एक्सपीरियंस को भी दूंगा 9 out of 10। दिस आर द रेटिंग्स टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ दिस हेडफोन्स अप्रॉक्सिमेटली 1300 रुपए के आसपास है, और प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये जस्टिफाई करता है। बस यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी दी गई है यहाँ पे आपको डिसेंट मिलने वाली, बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं है, ठीक ठाक यहाँ पे आपको प्लास्टिक बिल मिल जाएगी, लेकिन आउटपुट आपको अच्छा मिलने वाला है, म्यूजिक और बेसिक इफेक्ट आपको अच्छे मिल जाएंगे, कॉलिंग बढ़िया मिलने वाली, गेमिंग आपको बढ़िया मिल जाएगी, बैटरी भी यहाँ आपको डिसेंट मिलने वाली है। तो मेरे हिसाब से 1500 रुपए के अंदर आपको एक ओवर द ईयर वायरलेस हेडफोन्स चाहिए, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं, ये एक डिसेंट ऑप्शन है, प्राइस पॉइंट के हिसाब से वैसे ही कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता है मेरे हिसाब से। बाकी मैंने आपको सारे के सारे प्रोज एंड कॉन्स बता दिए, टेस्टिंग के साथ आप पे डिसीजन मैटर करता है, बेस्ट पॉसिबल लिंक्स भी है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, आपको प्रोडक्ट पसंद आया तो चेकआउट करके ग्रैब कर सकते हैं। आपको भी कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। So this was all about the unboxing, reviews, complete testing and my personal experience with the recently launched Boat Rockers 430 over the ear wireless headphones. Hope you like this one, and as I told you, if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. Thank you for watching this one and see you in the next video. Thank you.